हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है आशीष। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आप लोगों को बताते हैं कि जेई मेन 2021 का जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं वो अब 4 टाइम्स होंगे। ठीक है, फेबरवरी से मई के बीच में आपका 4 बार जेई मेन्स का एग्ज़ाम होने जा रहा है। और ये पेरेंट्स टीचर के साथ जो कॉन्फ्रेंसिंग हुआ हमारे यूनियन मिनिस्टर, 10 दिसंबर को ये फैसला लिया गया। रमेश पोखरियाल निशंक जो हमारा यूनियन मिनिस्टर है वो इस बात को कहे हैं, और मैं आपको वो पूरा न्यूज़ दिखा रहा हूँ। आगे मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो सारे बातें पता लग जाएंगे। ठीक है, वीडियो को शुरू करने से पहले आप यदि मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये ऑफिशियल न्यूज़ है। इसमें लिखा हुआ है जेई मेन टू बी हेल्ड 4 टाइम्स स्टार्टिंग फेबररी 2021। आपको मैं ऑफिशियल न्यूज़ दिखा रहा हूँ जो लिखा हुआ है 4 बार जेई मेन्स का एग्ज़ाम होगा आपका। देखिए फ्रेंड्स, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि जेई मेन्स 2021 का जो 4 बार एग्ज़ाम्स होगा, ठीक है, उसमें 75 क्वेश्चंस आपको करने होंगे और टोटल 90 क्वेश्चंस रहेंगे। मतलब 75 क्वेश्चंस आपका चॉइस रहेगा, आप कर सकते हैं उसको 90 क्वेश्चंस में। ठीक है, 30 फ्रॉम ईच सेक्शन से क्वेश्चन रहेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री में। फ्रेंड्स, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर्स का कहना है कि जो ये 4 बार जेई मेंस का एग्ज़ाम होगा 2021 का, वो हमारे स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए किया जा रहा है, और इसमें जो बेस्ट स्कोर होगा आपका वही आपका कंसीडर होगा। ठीक है, जितने भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन और जेई एडवांस में बैठने के लिए हमारे जो जेई मेंस देना पड़ता है, तो उसमें से 4 बार में जो आपका बेस्ट स्कोर होगा वही कंसीडर होगा। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आगे और भी यदि कोई अपडेट्स आता है इस बारे में तो मैं आपको इस चैनल पर ज़रूर बताऊँगा।